झारखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है जो बड़े बड़े राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य तो ज़रूर होगा कि जिस राज्य में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, ऑक्सीजन के कारण लगातार कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे में वो राज्य किसी बड़े राज्य को ऑक्सीजन सप्लाई करे। हम बात कर रहे हैं बोकारो जिले से निकला एक खेप जो रेल और सेल के सार्थक सहयोग से आज बोकारो से लखनऊ के लिए निकल गया। इस वीडियो को आप देखिए जिसमें 3 टैंकर ऑक्सीजन लोड कर रवाना किया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देकर इस वैश्विक महामारी में बचाने के लिए तत्पर तो जरूर है, लेकिन एक बात ये भी सोचना होगा कि झारखंड जैसे छोटे राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया कैसे हो। यहाँ झारखंड में खुद ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, ऐसे में झारखंड का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों के मरीजों को बचाने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन झारखंड में ऑक्सीजन तमाम हॉस्पिटल में कमी देखी जा रही है। ऐसे में रेल मार्ग द्वारा निकला 3 टैंकर ऑक्सीजन एक मानवता के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन झारखंड में उतनी ऑक्सीजन की उत्पादन नहीं होती है जितना कि वो दूसरे राज्यों को मुहैया करा सके। फिर भी हमारे यहाँ से 3 टैंकर ऑक्सीजन लखनऊ के लिए निकल चुका है। वैसे स्टील प्रबंधन अपने आप को खुशनसीब मानता है कि ऑक्सीजन के किल्लत के दौरान वो दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। चलिए, हम इस पर कोई राजनीति या राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि जो राज्य दूसरे राज्य को ऑक्सीजन मुहैया करा सकता है उस राज्य के मरीज को कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। देश की प्रगति में हमेशा सेल ने और रेल ने आगे बढ़ के भूमिका निभाई है। आज इस पैंडेमिक में जो संकट देश के सामने उत्पन्न हुआ है, इस समय में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चूँकि हम अपने स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर ये कदम उठाया है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से यहाँ आई है और हमने 3 टैंकर इसमें आए हैं, लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन हमने 4 घंटे में इसमें भर दिया है और अब हम इसको वापस रेलवे इसको लखनऊ ले जा रहा है। इसी तरह से देश के दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भर कर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। सर, कितना उत्पादन करने की क्या क्षमता है? हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है? अभी तक इन सारे स्टेट्स में हम भेज चुके हैं और लगातार इन सारे स्टेट्स में भेजते रहेंगे।